Hi guys, welcome to another blog. Time is 7:30 and date is 26 November. 9 बजे से क्लास है तो जाता हूँ, रेडी हो लेता हूँ. आ गया का सुबह ही सुबह तू है? क्यों मैं जाने ही नहीं दूंगा? हाय गाइस, इट्स 1 o'clock. अब जा रहा हूँ खाना खाने. अभी जस्ट 2 लेक्चर लेके फ्री हुआ. अब खाना खाने के बाद ही लेक्चर है और शाम को 1 लेक्चर है. शाम को आज ज़्यादा फ्री हूँ, मतलब 8:30 बजे तक एकदम फ्री हो जाऊँगा बिना टेंशन फिकर के. तो आज 3 लेक्चर ये हो गया, 2 लेक्चर वो, बस 5 लेक्चर आज है. और मतलब कल के मुकाबले बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कल क्या था, कल था मेरा कुछ 9 घंटे का लेक्चर. 9 घंटा मतलब ऑलमोस्ट 6 तो लेक्चर थे, मिला जुला के 9 घंटे हो गए. 9 घंटे लेक्चर लेना मतलब एनर्जी ज़ीरो, एकदम मतलब हेडेक, इतना ज़्यादा हेडेक एकदम पूरी लग गई थी. तो आज हम फ्री हैं और अब जा रहे हैं खाना खाने. मोस्ट प्रोबेबली आई विल ईटिंग तवा पुलाव. तो मिलते हैं खाने के बाद. हाय गाइस, इट्स 9 o'clock. मेरा छुट्टी हो गया है, अब मैं जाऊंगा घर पे. मोस्ट प्रोबेबली खाना बिना बन गया रहेगा. आज की न्यूज़ ये है कि मेरे छोटे भाई को एडमिशन मिल गया ITI में. सो ही विल बी डूइंग ITI फॉर 2 ईयर्स. बहुत खुशी हुई कि आई कैन हैव डन एवरीथिंग और एनीथिंग, आई कैन हैव डन एनीथिंग फॉर हिम. तो ये ठीक रहा, बस यही न्याज का सीन है. बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड माई सेल्फ ऑल्सो. अब घर पे जाना है और सोना है, और कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं. सो मिलते हैं घर पे. हेलो गाइस, टाइम इज 10. आई एम हेडिंग टुवर्ड्स होम. रास्ते में हूँ एज यू कैन सी. तो आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा. आई गॉट अनदर से आई कैन से ऑफर टू वर्क विथ इंस्टीट्यूट फॉर फिक्स बेसिस फॉर परमानेंट बेसिस. सो आई विल रिव्यू दैट अपॉर्चुनिटी. मैं उसको रिव्यू करने वाला हूँ. फिर रिव्यू करने के बाद मैं देखता हूँ कि वो मेरे हिसाब से सही बैठ रहा है या नहीं. आई थिंक मतलब सही बैठेगा अगर मेरे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से रहेगा तो ठीक है. टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे को पढ़ने का खुद का टाइम चाहिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड गेट JRF. सो इफ आई गेट प्रॉपर टाइम टू स्टडी देन इट्स ओके. इट्स मोर देन ओके एक्चुअली, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स स्टेबिलिटी. हेलो गाइस, इट्स 11 o'clock. यस इट इज 11 o'clock. जस्ट आई हैव फिनिश वेटिंग. बहन ने खाना बनाया था तो ठीक है, हो गया, खा पी के हो गया. अब करना है आराम. आज का दिन मैं बोल सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था. बहुत सारी चीज़ें हुई आज, जैसे कि आज लेक्चर वगैरह का तो उतना हेडेक था नहीं, 4 ही लेक्चर था आज. बाकी थोड़ा इधर उधर का घूमने का हो गया आज. कल सैटरडे है, कल है छुट्टी, लेकिन इसलिए मैं जा रहा हूँ कुछ प्राइवेट लेने, प्राइवेट क्लासेस लेनी है अपने को. और कल का वही इशू है कि 2 प्राइवेट लेनी है, उसके बाद देखते हैं कुछ सीन वगैरह है नहीं. वो शाम को लेक्चर लेनी है, मतलब 3 लेक्चर है कल. तो कल का डे इतना एक्साइटेड है नहीं. तो बस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. तो बस बाकी सब ठीक है. आज टुडे वी हैव कंप्लीटेड 117 सब्सक्राइबर एंड 60 आवर्स ऑफ वाचिंग टाइम. 60 घंटे का वाचिंग टाइम हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है. तो इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली. आई एम फाइंडिंग इट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ नाउ. होप सो कल मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी रिकॉर्ड करने वाला हूँ.
सो स्टे ट्यून्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।